उस्मान उस्मान, ये देखें इसको। उस्मान मैं कसम से मारूंगा अंकल की, अगर अंकल के सब्सक्राइबर्स खत्म होंगे ना, थोड़े होंगे सब्सक्राइबर्स तो उनका रैंक है जी, उनका भी प्ले बटन ही मिलेगा। हेलो सो गाइस, पल्लू बटन नहीं मिलेगा, पल्लू मिलेगा पैसे। ओ बाल बोलेंगे और कलर कलर उठाओ। इसको मैं कर लूं अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद साकिब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की ये वीडियो स्टार्ट से आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये एलईडी की फ़िटिंग के बारे में है। और मेरे पास अभी 32 इंच में एलईडी है स्मार्ट टीवी, और ये इसकी साथ में फ़िटिंग जो है वो इसमें मौजूद होती हैं। और ये इसकी फ़िटिंग, ये भी ये जो इसके पत्रियाँ सी बनी हुई हैं, और टेबल पे अगर आपने रखना है इसको तो फिटिंग पीछे लगाने की ज़रूरत कोई नहीं होती। ये जस्ट सिंपल दो इसमें जो नीचे इसकी सपोर्ट्स लगी होती हैं, नीचे जो इसमें पड़ी होती हैं वो नीचे फिट करनी होती हैं, और उनको भी स्क्रू लगते हैं, वो स्क्रू नीचे लगा लेने हैं, तो ये आप टेबल के ऊपर रख सकते हैं। और अगर टेबल के ऊपर आपने नहीं रखना है, दीवार के साथ हैंग करना है, तो ये फ़िटिंग आपने लगानी है। और ये फ़िटिंग इसकी जो इसके ऊपर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन बने हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है ना वो मार्जिन है ऊपर नीचे इसको करने का। तो लेफ़्ट राइट पे भी इसका होता है थोड़ा सा, ये देखें ये पतरी जो है ना काफ़ी बड़ी है, तो ये इसमें ऊपर चार होल हैं, ये दीवार के साथ हैंग होनी है, दीवार के साथ लगेगी ये पक्की पक्की। और इसमें मतलब थोड़ा सा आप इसको 4 इंच जो है ना, 3-4 इंच जो दाएँ या बाएँ लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, थोड़ी सी इसमें गुंजाइश होती है। और ऊपर नीचे तो काफ़ी सारा हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इसके दो जो पत्रियां जो लगती हैं उसके साथ एलईडी के साथ नीचे जो है ना फिक्स हुई हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है जगह, वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। और इसी तरह ये जो है ना मेजरमेंट आपने जो है ना हाथ के अंदाज़े से ही मेजरमेंट कर लें, एलईडी के ऊपर जहाँ उसकी फ़िटिंग आपने लगानी है वहाँ से आप देख लें उसका लेफ़्ट पे कितना जो है ना वो गैप है, और राइट पे कितना गैप है। ऊपर नीचे अगर करनी है तो ऊपर नीचे का कोई इशू नहीं है, अगर आप सुराख कर दिए हैं तो आपको महसूस हो रहा है कि ये ज़्यादा नीचे लग गई है या थोड़ी सी ऊपर है, तो आप मतलब कि 3-4 इंच उसमें गैप होता है, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। पतली के ऊपर जो है ना वो ऑप्शन बने होते हैं कि आप ऊपर नीचे उसको कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने जस्ट पहले लगाई थी ताकि इसको मैं तसल्ली कर लूँ कि ये बिल्कुल ठीक लगी है, बिल्कुल सीधी है, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है। और बाकी इसका बाकी जितना था एक आइडिया करना था कि ये बिल्कुल अपनी सही जगह पे लगी हुई है, तो उसके बाद आप इसको सही फुल टाइट करके जो ये दीवार के साथ जो फिटिंग है जो दीवार के साथ लगानी है उसको फिर सही तरह से अच्छे से टाइट करके, उनकी जो स्क्रू है वो चाबी से टाइट होने वाले हैं, चाबी से अगर टाइट ना होने वाले हों तो वो स्क्रू ड्राइवर से जो है ना वो टाइट होते हैं। और इसकी ये जो तार है ये पावर केबल जो है इसको आपने जो है ना लपेट लपूट के, तो इसके पीछे ही कोशिश करनी है, ये इसके पीछे ही ना वो छुपी रहे। तो ये जस्ट आज की ये छोटी सी वीडियो थी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा इसको अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के ऊपर ऑल क्लिक करें, जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका मैसेज जो है ना वो आपके पास आएगा। मैं आपसे मिलूँगा फिर कभी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।